बुलढाणा में देर रात भीषण सड़क हादसा, 26 यात्री की मौत। आदाब नमस्कार, आप देख रहे हैं अयोध्या टाइम्स, मैं हूं शाहुल खान। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। महाराष्ट्र के बुलढाणा में देर रात भीषण सड़क हादसा हो गया है। 32 यात्रियों को ले जा रही यात्री बस डिवाइडर से टकराकर पलट गई, जिससे बस में आग लग गई है। अब तक 26 यात्रियों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। घायलों को नज़दीकी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। डिप्टी SP बाबूराम महामुनि ने बताया है कि हादसा बुलढाणा में समृद्धि महामार्ग एक्सप्रेसवे पर हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ही गृह मंत्री अमित शाह, सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने हादसे पर दुख व्यक्त किया है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे बुलढाणा आएंगे और घायलों से मिलेंगे। शिंदे ने 5 लाख के मुआवजे का ऐलान किया है। वहीं PM मोदी ने मृतक के परिजन को 2 लाख और घायलों को इलाज के लिए 50,000 रुपये देने का वादा किया। हादसे में बाल बाल बचने वाले यात्री योगेश रामदास गवई भोलेगांव ने बताया कि मैं विदर्भ ट्रेवल की बस में बैठा था। हमारी गाड़ी समुद्री पर दुर्घटनाग्रस्त हुई और गाड़ी पलटने के तुरंत गाड़ी में आग लग गई। हम 3-4 लोग शीशा तोड़कर बाहर आए। हमारे बाहर आते ही गाड़ी में धमाका हो गया। फायर टीम घटना के 10-15 मिनट बाद ही आई और आग पर काबू पाया। हादसे का शिकार हुई बस के मालिक वीरेंद्र दरना के मुताबिक, हमने वर्ष 2020 में बस खरीदी थी। बस चालक दानिश अनुभवी था। हमें जानकारी मिली है कि टायर फटने के बाद बस सड़क के डिवाइडर से टकरा गई। बस में ज्वलनशील वस्तुएं होने के कारण बस में आग लग गई।